जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों रेलवे जूनियर इंजीनियर का जो आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, ठीक है, तो एक एक करके बताऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपके बस 3 महीने और बचे हुए हैं, ठीक है। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि एग्ज़ाम कब से आपका स्टार्ट है, और दोस्तों आपको ये भी मैं बता सकता हूँ कि अब एग्जैक्ट डेट कितना हो सकता है आपका एग्जाम, और साथ में ये बताऊंगा दोस्तों कि अब इतने टाइम जो बचे हुए हैं, लगभग तीन मंथ आपके पास बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो इन 3 मंथ में आपको अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं, क्या चीज़ है एग्जैक्टली। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे जूनियर इंजीनियर, आपने सुना होगा रेलवे जूनियर इंजीनियर का 2 जून को पेपर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि सिर्फ 15 मिनट रेलवे जूनियर इंजीनियर जो है वो अपने टाइम पे ही एग्जाम कंडक्ट किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब इसके बाद होगा एनटीपीसी का एग्जाम, और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा दोस्तों वो उसके बाद होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो ऑफिशियली साइट लिखा हुआ है, तो जो ऑफिशियली साइट लिखा हुआ है, एक्चुअली ऑफिशियली मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एनटीपीसी का। तो देखिए एनटीपीसी का जो डेट दे रखा है वो दे रखा है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, एग्जाम का। लेकिन आपको पता है कि जून तो आज 4 से 5 जून हो गई, तो जो अब एग्जाम का एक्सपेक्टेड है दोस्तों एनटीपीसी का, वो है 15 जुलाई से, और 3 मंथ तक एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। तो 10 अक्टूबर तक इसका एग्जाम चलेगा। देखिए दोस्तों इसमें अब लेट नहीं होगा, जूनियर इंजीनियर के बाद तुरंत एनटीपीसी का एग्जाम होगा, और एनटीपीसी के एग्जाम के बाद तो दोस्तों ग्रुप डी का होगा, ठीक है। तो आपको अब जानना जरूरी है कि क्या एग्जैक्ट डेट हो सकती है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये पता है कि 15 जुलाई से 10 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी का, ठीक है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल रेलवे अब लेट नहीं करेगा, आपको पता है अब इलेक्शन का भी कोई ऐसा पंगा नहीं है, ठीक है, इलेक्शन का भी नहीं है, तो लेट नहीं करेगा वो अपनी वैकेंसियों में, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि लास्ट ईयर जब आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो ALP का हुआ था पेपर, अपने टाइम पे हुआ था, फिर उसी तुरंत कुछ दिनों बाद ग्रुप डी का हुआ था दोस्तों, और फिर कुछ दिन बाद RPF का चालू हो गया था। लेकिन मैंने वो जो शेड्यूल देखा था दोस्तों, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी लेट कर दिया, बिल्कुल अपने टाइम पे एक रेलवे ने एग्जाम कंडक्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था, आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये एनटीपीसी का नोटिस दे रखा है। अब हम चलते हैं प्रूफ के साथ कि आपका जो रेलवे का है, देखिए ये ऑफिशियली नोटिस है जो नोटिफिकेशन में आया हुआ था, तो आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिए इस डेट को, इसका एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जाम डेट है वो आपका दे रखा है CBT 1 जो दे रखा है वो देखिए सितंबर से लेकर अक्टूबर दे रखा है, ठीक है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी कम से कम 15 दिन रेलवे जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो देर हो गया, 15 दिन ऑलरेडी वो लेट हो गया। तो अब इससे क्या चीज़ आया कि 15 दिन लेट हो गया, तो अब सारे एग्जाम 15 से 20 दिन आपके पोस्टपोन होते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी डेट बताया है दोस्तों कि 15 जुलाई से लेकर 10 अक्टूबर तक आपका एनटीपीसी चलेगा, और इसके दोस्तों 10 से 15 दिन बाद आपके ग्रुप डी का चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 अक्टूबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, ये बात ध्यान रखिए। कब होगा, 20 को भी हो सकता है दोस्तों, 25 को हो सकता है, इसी डेट के अंदर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने काफ़ी इस चीज़ को एनालाइज किया है, सारा एनालाइज करके मैं ये डेटा लेकर आया हूँ कि इतना ही एग्जाम होगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपके पास 3 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 20 अक्टूबर को भी हो सकता है, 25 अक्टूबर को भी हो जाता है, लेकिन नवंबर नहीं करेगा, अक्टूबर के अंदर अंदर होगा। उसका कारण ये है कि आप एक बार इसको फिर से देखिए दोस्तों, आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही दे रखा है टेंटेटिव एग्ज़ाम, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही होने वाला है। तो अक्टूबर तो मैंने बता दिया, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो समझ लीजिए कि अक्टूबर 15 अक्टूबर से लेकर
30 अक्टूबर तक ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इट मीन्स दैट आपके पास अब टाइम बचा हुआ है 3 मंथ, ठीक है। तो आपके पास 3 मंथ बचा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, इस 3 मंथ में कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं बता दूं कि 7 जून से मैं डेली वीडियो अब स्टडी का डालने वाला हूँ, रेगुलर डालूंगा। उसके पहले मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो कौन कौन सी मिलेगी। और दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट रहेगा ग्रुप डी का, जिसमें मैं डेली टॉप 20 जीके डालूंगा। और साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ, डेली आपको करंट अफेयर का वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जो बिल्कुल रेलवे से रिलेटेड ही होगा, मतलब वो करंट अफेयर डालूंगा दोस्तों जो केवल रेलवे में आते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, डेली टॉप सामान्य ज्ञान होगा और करंट अफेयर होगा, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस बार भी जो रेलवे जूनियर इंजीनियर का पेपर आया, उसमें भी अच्छा खासा करंट अफेयर आया है, ठीक है। और ग्रुप डी का लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2018, उसमें भी आया था करंट अफेयर, ठीक है। और साथ में दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि गणित और तर्क शक्ति जो है, उसके मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, जो मतलब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बहुत लोग का गणित कमज़ोर है, तर्क शक्ति कमज़ोर है, तो दोस्तों मैं वो टॉपिक लाऊँगा जो बिल्कुल समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके आने के चांसेस हो, ठीक है। और कम टाइम पे कोशिश करूँगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूँ, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको ये करना होगा कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं कोई भी वीडियो 7 जून के बाद डालता हूँ, तो आपको उस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब टाइम नहीं है, 3 मंथ बचा हुआ है, 3 मंथ में मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, 3 मंथ में आपकी सिलेबस कवर करा दे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों इसके साथ जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो PDF भी प्रोवाइड करूँगा, प्लस जैसे टॉप 100 जो आपके ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो टॉप 100 करके PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम के लिए दोस्तों क्या करना होगा, अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उस लिंक को क्लिक करना है और डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तभी जुड़ सकते हैं, नहीं यूज करते तो आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं डेली कोई ना कोई PDF प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। लगभग 55,000 लोग जुड़े हुए हैं, और स्पेशली दोस्तों केवल रेलवे की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं फ्री में बुक्स प्रोवाइड करता हूँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है आपकी तैयारी के लिए। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आपके लिए तैयारी के लिए यही वीडियो है, और ध्यान रखिएगा चैनल में मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आगे मैं मेहनत करूँगा। जो रेलवे जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ग्रुप डी में आए हुए हैं, उसी हिसाब से मैं आपको पैटर्न लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं सोचा कि दे दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि ग्रुप डी का पेपर कब होगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देने मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 15 अक्टूबर जो मैंने आपको बताया है नवंबर तक, तो इतना ही डेट जाएगा। कुछ ऐसा मान लीजिए NTPC का थोड़ा सा लेट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 नवंबर होगा, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रूफ अभी भी दिखाया है कि आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एग्जाम जो होगा वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में कोई भी डेट आ सकती है, तो आपको ये पता है कि सितंबर में तो अब होगा नहीं, क्योंकि NTPC ऑलरेडी लेट किया, और NTPC का कम से कम 2 से 3 मंथ तो एग्जाम चलेगा ही, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का भले 15 दिन एग्जाम चला है, लेकिन NTPC में फॉर्म ज़्यादा फिल्ड हुए हैं एज कम्पेयर टू जूनियर इंजीनियर, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, जैसे PDF है, टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।